नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 12 एक नई शुरुआत, जिनका साहित्य प्रकार है कहानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के वर्ग में, आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक नई शुरुआत, साहित्य प्रकार कहानी, लेखक का नाम जाकिर अली रजनीश। मित्रों, एक नई शुरुआत एक लेखक की वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। लेखक ने इस कृति में विज्ञान के विषय में, यानी कि एक सर्वथा नवीन काल्पनिक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित रचना है। तो हम सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिए पाठ्यपुस्तक पर, देखिए जाकिर अली, जिनका उपनाम है रजनीश, एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। उनके 4 उपन्यास, यानी कि वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य हैं। गिनपिंग समय के पार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए, उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान उन्हें प्राप्त किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित उनके सम्मान प्राप्त हुए हैं। ऐसे सुप्रसिद्ध लेखक जाकिर अली, जिनका उपनाम है रजनीश, जिन्हें यहाँ खास तौर पर एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति का आज हम अभ्यास करेंगे। मित्रों, खास तौर पर एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है, उसमें एक सर्वथा नवीन काल्पनिक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान पर आधारित, अनुसंधान यानी कि खोज पर आधारित यह रचना है। इसमें विज्ञान के एक प्रचलित सिद्धांत पर आधारित दो वैज्ञानिकों का नाम यहां बताया गया है, ध्यान रखिए, प्रोफेसर रामेश और दूसरा प्रोफेसर माधवन, यानी कि दो वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के शरीर को तरंगों में रूपांतरित कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की तकनीक और उससे संबंधित प्रयोग का रोमांचक ढंग से विस्मयकारी वर्णन किया गया है। मित्रों, खास तौर पर यह संशोधनक विषय कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्व संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ यह दो वैज्ञानिक प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधवन की अद्भुत सिद्धि का वर्णन इस कहानी में प्रस्तुत है। आइए देखिए
पाठ्यपुस्तक पर ध्यान रखिए और पाठ्यपुस्तक खोलकर बैठ जाइए और उनका अक्षरशः ध्यान रखिए। देखो, प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। ध्यान रखिए, प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक यानी कि मददनीश असिस्टेंट, जो सहायता करने वाला, मददनीश यानी कि जो सहयोग देता है, वह शब्द समूह के लिए एक शब्द भी पूछा जा सकता है, तो जो सहयोग देता है वह सहयोगी सहायक कहा जाता है। तो माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे, अद्भुत आश्चर्यजनक क्षण थे, विचित्र दूसरा अर्थ होता है विचित्र, अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्यजनक और दूसरा अर्थ होता है विचित्र क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, आश्चर्यजनक ही नहीं, विचित्र ही नहीं, असंभव भी था। जो संभव नहीं है वह असंभव, संभव शब्द का विरुद्धार्थी बनता है असंभव। विपरीत शब्द, विपरीत यानी कि विरोधार्थी, विलोम भी कहा जाता है विपरीत को, तो संभव का विरोधार्थी बनता है असंभव। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। किसका परीक्षण? मानव प्रक्षेपण यंत्र, तो प्रक्षेपण यंत्र यानी कि फेंकने वाला यंत्र शब्दार्थ, शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए, प्रक्षेपण यंत्र। यानी कि फेंकने वाला, प्रक्षेपण का अर्थ होता है फेंकना और प्रक्षेपण यंत्र यानी कि फेंकने वाला यंत्र का परीक्षण, परीक्षण का मतलब परखने या जांच करने का काम, परीक्षण। परखने या जांच करने का काम संपन्न होने जा रहा था दो वैज्ञानिकों के द्वारा, प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक प्रोफेसर माधवन, ये दोनों के द्वारा मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। दो अति शक्तिशाली कंप्यूटर और द्रव्य यानी कि वस्तु पदार्थ विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र दो खंडों में विभक्त था। मानव प्रक्षेपण यंत्र दो खंडों में विभाजित किया गया था। तो यह मानव प्रक्षेपण यंत्र क्या है, किसे कहते हैं? तो जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। मित्रों, खास तौर पर
यह मानव प्रक्षेपण यंत्र कितने खंडों में विभक्त कर दिया? दो खंडों में विभक्त कर देना, यानी कि अलग कर देना। विभक्त, अलग कर देना। खंड यानी कि भाग। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। खास तौर पर ध्यान रखिए कि मानव प्रक्षेपण यंत्र कितने खंडों में विभाजित किया गया था? तो दो खंडों में। कहां कहां पर? तो एक और एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला, जहां प्रयोग होता है, लेबोरेटरी हम कहते हैं। तो एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। प्रोफेसर रामेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। ध्यान रखिए, प्रोफेसर रामेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड यानी कि आदेश, कमांड आदेश दिया था और देने के बाद गर्व से स्क्रीन यानी कि कंप्यूटर का जो पर्दा, उन्हें हम स्क्रीन कहते हैं, कि और देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा यानी कि चमक दमक, आभा यानी कि चमक दमक से वह दमक रहा था। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया। कुछ ही क्षण के बाद कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी हो गई, ऐसा सिग्नल बताया। प्रोफेसर रामेश ने अपने सहयोगी, सहयोग देने वाला कौन थे? सहयोगी प्रोफेसर माधवन। तो सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिले के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए। वह धड़कते दिलों से, थोड़ी सी घबराहट के साथ वह कंप्यूटर चालित चैम्बर में वह दाखिल हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रशिक्षण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर यानी कि सीमा, दूसरा पर्यायवाची अर्थ होता है किनारा। तो दूसरी सीमा पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। दम साधे, यहाँ एक मुहावरा भी है, दम साधे बैठना, दम साधे बैठना। इसका अर्थ होता है चिंता के साथ प्रतीक्षा करना। चिंता के साथ प्रतीक्षा करना। दम साधे बैठना मुहावरे का अर्थ होता है चिंता के साथ प्रतीक्षा करना। कौन चिंता के साथ बैठे हुए हैं? तो कि माधवन, दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक पल क्षण एक साल के बराबर लग रहा था। और इसी अंतराल के बीच, शब्द पर ध्यान रखिए, इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना गोंद गई
जब वह प्रोफेसर रामी से पहली बार मिला था। ध्यान रखिए, यहां एक शब्द आया है अंतराल। अंतराल का अर्थ होता है दो बिंदुओं के बीच का स्थान या अंतर। अंतराल शब्द लिखिए अंतराल। अंतराल दो बिंदुओं के बीच का स्थान, दो बिंदुओं के बीच का स्थान, उन्हें क्या कहा जाता है? अंतराल स्थान या अंतर भी कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच का स्थान या अंतर भी कहा जाता है। यहां इस अर्थ में लिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच का स्थान या अंतर। अंतराल के बीच सहसा, सहसा यानी कि एकाएक उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई। वह विचार आया कि जब वह प्रोफेसर रामी से पहली बार मिला था, जब प्रोफेसर माधवन प्रोफेसर रामेश को पहली बार मिला था, यही विचार माधवन के मन में आया। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था जब वह प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। कौन? प्रोफेसर माधवन। किसको पहली बार मिला था? प्रोफेसर रामेश को। तब गर्मी का दिन था, प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त, प्रोफेसर रामेश के जिगरी दोस्त का नाम क्या था? आनंद मेहता। तो आनंद मेहता का सिफारिशी, सिफारिशी यानी कि खुशामद पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा, यानी कि प्रोफेसर रामेश की लैब में कौन पहुंचा? प्रोफेसर माधवन पहुंचा। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। उसी समय प्रोफेसर रामेश क्या कर रहे थे? अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामेश ने सहर्ष हर्ष सहित उसे अपने साथ काम करने की अनुमति यानी कि इजाजत प्रदान कर दी, आज्ञा दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। किसने ऐसा प्रश्न किया? प्रोफेसर माधवन ने। किसको किया? प्रोफेसर रामेश को। कौन सा प्रश्न पूछ लिया? तो कि सर आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट परियोजना। प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामेश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो, यकीन यानी कि भरोसा, विश्वास, कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। वह मन ही मन सोचने लगता है कि उनके जिगरी दोस्त आनंद मेहता ने मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर आया हुआ माधवन पर भरोसा किया जाए या नहीं। माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जाए, प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए या नहीं, वह सोचने लगता है। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांक कर उसे परख लेना उचित समझा। देखो
वैज्ञानिक अपनी खोज, अपना अनुसंधान, अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादातर किसी को बताता नहीं है, क्योंकि वह अपनी प्रोजेक्ट की बात जो शेयर हो जाती हैं तो अच्छी तरह से वह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल यानी कि कामयाब नहीं हो सकता अथवा दुरुपयोग भी हो जाता है। इसीलिए माधवन के साथ आनंद की संस्तुति यानी कि किसी कार्य के लिए अपनी मंजूरी देना, आनंद की संस्तुति शब्द का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य के लिए अपनी मंजूरी देना। लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में जाकर उसे परख लेना उचित समझा, माधवन को पहचानना चाहिए, जान लेना चाहिए, यही उन्हें उचित समझा, उचित यानी कि योग्य। और विरोधार्थी शब्द बनता है उचित अनुचित। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को जब बताया तो प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्यचकित हो गया। और आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछी बेटा, सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? प्रोफेसर रामेश ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुके। ऐसा कहते हुए प्रोफेसर रामेश एक क्षण के लिए रुके, मगर पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। एक क्षण तो रुक गए मगर माधवन ने कोई प्रतिक्रिया का मतलब किसी क्रिया के विरोध में होने वाली क्रिया, कोई विरोध नहीं प्रकट किया, कुछ बोला ही नहीं। तो प्रतिक्रिया शब्द लिखिए, किसी क्रिया के विरोध में होने वाली क्रिया, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यानी कि किसी क्रिया के विरोध में क्रिया के विरोध में होने वाली विरोध में होने वाली क्रिया, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिक्रिया। आगे देखिए, पर माधवन की तरफ से कोई उत्तर व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। माधवन ने कुछ प्रतिक्रिया यानी कि कोई उत्तर भी नहीं दिया, कुछ विरोध भी नहीं किया, किसी क्रिया के विरोध में कोई क्रिया ही नहीं की। इसीलिए उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। किसने? प्रोफेसर रामेश ने। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। क्या बताया? अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अब ध्यान रखिए, अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। अणु किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं।
और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है, उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण। फिर से ध्यान रखिए, अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है, उसके अपने भीतर भीतर यानी कि अंदर मौजूद कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण यह परमाणु को आकार मिलता है। यहां एक प्रश्न एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यह भी पूछा जा सकता है कि परमाणु में क्या नहीं होता, परमाणु में क्या नहीं होता? तो उत्तर होता है परमाणु में अणु नहीं होता। क्या नहीं होता? अणु नहीं होता। मगर यहां ध्यान रखिए कि अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है, उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया। मित्रों, आज यहां तक रखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।